हेलो फ्रेंड्स, अतुल्य आर्यस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं एसआई भर्ती परीक्षा की हिंदी, और ये हमारा सिलेबस है जिसे हमने शुरू किया था। और हमने सेकंड यूनिट को सबसे पहले शुरू किया था, जिसमें हम संज्ञा को पढ़ चुके थे और हम सर्वनाम को पढ़ रहे थे। दोस्तों, तो इस टॉपिक के अंदर हमने सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद और पुरुषवाचक सर्वनाम, ये इतने चीज़ें अपने पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो देख करके उसे पूरा कर लीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये इसका सेकंड पार्ट। और दोस्तों, ये जो पूरा सिलेबस है आपका, इसे हम यहीं इसी चैनल पर करने वाले हैं, और बड़े इत्मीनान से, बड़े अच्छे से हमने इसको किया है, शुरू किया है, उसी प्रकार से हम इसको ख़त्म भी करने वाले हैं। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा दूसरा सर्वनाम है, जिसका नाम है दोस्तों निश्चय वाचक सर्वनाम। यानी आज अपने कौन से सर्वनाम को पढ़ेंगे? निश्चय वाचक सर्वनाम को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, क्या इसका कोई और नाम भी आता है? बिल्कुल, इसका एक और नाम होता है जिसे हम कहते हैं संकेत वाचक सर्वनाम। तो ये जो निश्चय वाचक है, ये संकेत वाचक सर्वनाम भी कहलाता है। अब हम देखें कि संकेतवाचक या निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, क्या है इसकी परिभाषा। तो दोस्तों, हम ऐसा कह सकते हैं कि वे सर्वनाम जो किसी निकटवर्ती या दूरवर्ती व्यक्ति, वस्तु, प्राणी का बोध कराते हैं, ये इसकी परिभाषा है दोस्तों। यानी ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे हमें ये पता चलता है कि कोई वस्तु निकट है या कोई दूर है। दोस्तों, क्या कहा हमने? वे सर्वनाम जो किसी निकटवर्ती या दूरवर्ती व्यक्ति, वस्तु, प्राणी का बोध करवाते हैं या किसी पदार्थ का बोध करवाते हैं, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और यह नाम से ही स्पष्ट है कि ये जो चीज़ें होंगी, ये एक स्टेटमेंट के रूप में होती हैं और ये एक निश्चित बात हुआ करती है दोस्तों। तो यहाँ देखिएगा, जो हमारे सर्वनाम हैं उनसे हमें ये भी पता चलता है कि कोई वस्तु हमारे निकट है या फिर कोई वस्तु हमारे दूर है। तो अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा सर्वनाम है जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई वस्तु हमारे निकट है या कोई वस्तु हमारी दूर है दोस्तों, तो यही सर्वनाम हमारा हुआ करता है दोस्तों। तो दोस्तों, निकटवर्ती अगर हमारे कोई वस्तु है तो उसके लिए अपने यह शब्द का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के रूप में ये का प्रयोग कर देते हैं, और कोई दूरवर्ती है तो वह का प्रयोग करते हैं और उसके बहुवचन के रूप में अपने वे शब्द का प्रयोग कर देते हैं दोस्तों। तो ये इसकी एक पहचान होती है। जैसे मैं ये कहूँ किस प्रकार से इसका प्रयोग हो सकता है, जैसे कहा जाए वह आपका भाई है, वह आपका भाई है। तो दोस्तों, यहाँ क्या हुआ, ये हमें पता चलता है नंबर एक बात तो कि ये चीज़ क्या है, निश्चित है दोस्तों कि वह आपका भाई है, यहाँ पर हमने पूर्ण विराम भी लगा दिया। दूसरा कि यह चीज़ क्या है, यह व्यक्ति क्या है, दूर है। जैसे मैं ये कहूँ यह पुस्तक है, अगर आपसे किसी ने पूछा कि यह क्या है तो आपने कहा यह पुस्तक है, तो यह जो चीज़ होगी वह आपकी, देखिए, नज़दीक होगी। अभी आप इसको एक कल्पना करके देखिएगा, आपके जहां आप बैठ करके पढ़ रही हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके हाथ में क्या है, तो आप क्या कहेंगे? यह मोबाइल है। यानी यह सबसे नज़दीक, आप ऐसा नहीं कहेंगे कि वह मोबाइल है। अगर आप अपनी छत की तरफ देखते हैं और मैं आपसे पूछूं कि वह क्या है, तो आप कहेंगे वह पंखा है, क्योंकि वो चीज़ क्या है, आपके दूर है। तो जो चीज़ आपके दूर है उसके लिए आप वह शब्द का प्रयोग करते हैं, और जो चीज़ आपके निकट है उसके लिए हम क्या करते हैं, यह शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए, और कई बार तो ऐसा भी पूछ लेता है, निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कौन से हैं, तो यह, ये, वह और वे, ये जो हैं ये प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो निकटवर्ती के लिए यह आता है, दूरवर्ती के लिए वह आता है। इनका कुछ एक परिवर्तित रूप भी होता है, जैसा जैसे यह का अपने ले लेते हैं इस, और वह का उसके रूप में भी अपने ले करके चलते हैं। इसने यह किया है यानी वह पास है, उसने वह किया है तो वो दूर हो गया दोस्तों।
तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूरवर्ती या निकटवर्ती किसी व्यक्ति प्राणी वस्तुओं का बोध करवाते हैं तो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। और इनसे क्या हो रहा है, जैसे आप ये आप बोलते हैं यह पुस्तक है, तो यहाँ पर एक भाव आता है हमारे पास में संकेत का, यहाँ हम किसी न किसी चीज की ओर संकेत करते हैं, इसलिए दोस्तों ये क्या कहलाता है, ये संकेतवाचक सर्वनाम भी कहलाता है, इसे अपने संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा करते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अगले सर्वनाम के विषय में अपनी बात करते हैं। तो जो हमारा तीसरा सर्वनाम है दोस्तों, तीसरा हमारा सर्वनाम आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब यहाँ इस चीज को समझिएगा, अनिश्चयवाचक यानी यहाँ पर क्या हुआ, किसी निश्चित बात का बोध नहीं हो रहा है, यहाँ जो बोध हो रहा है वो किसी निश्चित व्यक्ति या किसी निश्चित वस्तु का है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है इसकी परिभाषा होगी किसी अनिश्चित व्यक्ति, यानी जिसके बारे में हम कुछ भी निश्चित नहीं है, घटना के लिए काम आने वाले सर्वनाम शब्द। तो ऐसे शब्द होते हैं ये जो किसी अनिश्चित व्यक्ति के लिए काम आते हैं, किसी अनिश्चित घटना के लिए काम आते हैं, या फिर अनिश्चित किसी वस्तु के लिए काम में आते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मुख्य जो सर्वनाम है वो दो होते हैं, एक तो आता है कोई और एक आता है कुछ। तो कोई जो सर्वनाम शब्द है ये अधिकतर जो है दोस्तों ये प्राणीवाचक के लिए आता है, किसके लिए आता है दोस्तों, ये प्राणीवाचक के लिए आता है। और कुछ जो शब्द है वो वस्तु के लिए आता है, यानी किसके लिए आएगा दोस्तों, अप्राणीवाचक के लिए आता है। तो यहाँ जो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, एक तो ये पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा सर्वनाम शब्द अनिश्चितवाचक सर्वनाम है, तो यहाँ पर आपको कोई और कुछ से पहचान करना होगा। दूसरी बात अगर आपसे ये पूछा जाए इनमें से कौन सा प्राणीवाचक है और कौन सा अप्राणीवाचक है, तो फिर कोई जो है वो प्राणीवाचक है और कुछ जो है वो अप्राणीवाचक अपने मान के चलते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक वाक्य लिखता हूँ, बाहर कोई है। अब देखो है तो सही, लेकिन ये जो कोई है उसके बारे में अपने बिल्कुल भी निश्चित नहीं है। अगर हम ये कह दें कि वह सुरेश है तो वो निश्चित हो गया, लेकिन हमने कहा बाहर कोई है, अब कोई का मतलब अपने उसको जानते नहीं है, हम उसके बारे में अनिश्चित है। जैसे मैं ये कहूँ कोई रो रहा है, तो दोस्तों कोई रो रहा है मतलब हम किसी को नहीं जानते। अब देखिएगा दोस्तों, आपकी परीक्षा होगी तो कोई पास भी होगा और कोई फेल भी होगा, तो हम ये कहते हैं ना कोई पास हुआ है तो कोई फेल। अब कोई कौन है जिसके बारे में अपने बिल्कुल भी निश्चित नहीं है, उसके लिए अपने इन शब्दों को प्रयोग में लेते हैं। अब जैसे मैं ये कहूँ एक शब्द है सुरेश कुछ खा रहा है, अब कुछ खा रहा है जाहिर सी बात है किसी जिंदा चीज को तो वो खाने से रहा, कुछ का प्रयोग यहाँ किसके लिए होगा, किसी वस्तु के लिए होता है, और ये वस्तु जो होगी वो कैसी होगी दोस्तों, वो अप्राणीवाचक होती है। कैसी होगी, अप्राणीवाचक होती है, इस चीज को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ किसी शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, किसी ने यह किया है, किसी ने यह किया होगा, है ना। तो यहाँ जो आपको विशेषता याद रखना है, दो शब्द आते हैं इसमें, कोई आता है और कुछ आता है। कोई जो आता है वो किसी प्राणीवाचक के लिए आता है, और जो कुछ जो शब्द है वो किसके लिए आता है दोस्तों, वो अप्राणीवाचक के लिए आता है। ये बात हमारे दिमाग में थोड़ी सी सेट हो जानी चाहिए, अन्यथा मामला गड़बड़ हो सकता है। अगर हमारे परीक्षा में कोई ऐसा शब्द आ जाता है, कोई ऐसा प्रश्न आपसे पूछ लिया जा सकता है, जैसे मैं ये कहूँ कि पानी, अब यहाँ वर्तनी शुद्धि वाले शब्द भी आ सकते हैं, वाक्य शुद्धि वाले, सॉरी, पानी में कोई मिला हुआ है, ऐसा कह सकते हैं क्या, पानी में कोई मिला हुआ है, पानी में कोई मिला हुआ है, मिला कोई मतलब कोई जीवित चीज तो नहीं मिली होती ना। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है, तो इस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि हम क्या लिखेंगे, पानी में कुछ मिला हुआ है दोस्तों, यही हमारा सही आंसर भी होगा, कोई नहीं कहेंगे, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार के
प्रश्न यहाँ से न केवल सर्वनाम से बल्कि वाक्य शुद्धि में भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। संज्ञा संबंधी अशुद्धि होती है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि होती है, है ना। जैसे कई बार वो आपसे इस तरह का प्रश्न दे देता है, वह तेरे को घड़ी देगा। अब देखिएगा ये तेरे को, है ना, इस शब्द का अपने प्रयोग नहीं करते हैं तो ये सर्वनाम संबंधी क्या मानी जाएगी, अशुद्धि मानी जाएगी। तो इस प्रकार क्योंकि तेरे को नहीं देगा, तुम्हें अपने कह सकते हैं, है ना। तो ये सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां भी होती हैं। तो सर्वनाम आपको इस तरह से मत समझिएगा, केवल यही काम आते हैं, हर चीज किसी न किसी चीज से कनेक्टेड है। उम्मीद करता हूँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम को आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि दो ही तो थे हमारे पास में, एक था कोई और एक था हमारे पास में कुछ। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अगले सर्वनाम के विषय में अपनी बात करते हैं। तो चौथा जो हमारा सर्वनाम है दोस्तों, वो आता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा सर्वनाम हमारा कौन सा है दोस्तों? चौथा हमारा सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा होगा, इसकी परिभाषा को आप देखिएगा थोड़ा सा। इसकी जो परिभाषा होगी प्रश्नवाचक सर्वनाम की, वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं, वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं। और जाहिर सी बात है जहाँ प्रश्न होगा वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आपको मिल जाता है, इसलिए ज़्यादातर ये आते नहीं है। लेकिन यहाँ शब्द कौन से होते हैं सर्वनाम के जो हैं, कौन है, इसके अलावा किसे हैं, किसने हैं, क्या है, कब है, है ना, इस तरह के शब्दों का जो है प्रयोग किया जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंदर। यानी जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग जो है वो प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वे सर्वनाम क्या कहलाते हैं, वे प्रश्नवाचक सर्वनामों की श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ पर कौन जो शब्द है वो प्राणी के लिए आता है, और क्या जो शब्द है वो अप्राणी के लिए आता है। अब किस प्रकार से आता है दोस्तों, इस चीज को भी आप समझ लीजिएगा। बाहर कौन है, जाहिर सी बात है कोई व्यक्ति या कोई जीव ही होगा, है ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी पॉकेट में क्या है दोस्तों, यानी आपकी जेब में क्या है, हम ऐसा पूछेंगे तो क्या यानी कोई वस्तु ही हो सकती है। क्या जो है वो किसी वस्तु आदि के लिए आता है, लेकिन कौन जो है वो अधिकतर किसी प्राणी के लिए आता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्या हो, तो ये तो प्रश्न सही नहीं होता है। आप कौन हो, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाए तो सही होगा दोस्तों। तो वाक्य शुद्धि में भी इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं दोस्तों, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपकी जेब में कौन है, आपकी जेब में क्या हो सकता है, लेकिन आपकी जेब में कौन नहीं हो सकता है। अधिकतर इन शब्दों का प्राय जो प्रयोग है अपने प्राणी और अप्राणी के लिए किया करते हैं। तो प्राणी के लिए अगर अपने को किसी को काम में लेना है तो हम कौन को काम में लेंगे, और अन्य के लिए अपने क्या शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे वैसे तो अपने गुस्से में जब होते हैं तो पूछ लेते हैं ना किसी से, तुम क्या हो, हम ऐसा नहीं कह सकते ना, क्योंकि वो कोई वस्तु तो है नहीं। लेकिन कहना क्या पड़ेगा कि आप कौन है, तुम कौन हो, तब वो बता सकता है कि मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं अध्यापक हूँ, मैं क्या हूँ दोस्तों, तब वो आपको बता सकता है। तो देख अभी बताता हूँ मैं कौन हूँ। तो कौन जो शब्द है वो हमारा सही होता है, इंट्रोडक्शन के लिए काम में लेते हैं, लेकिन क्या शब्द का जो प्रयोग है वो किसी वस्तु आदि के लिए होता है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं अपने और अगले सर्वनाम को देखते हैं, तो वो है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा जो हमारा सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। तो देखिएगा दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा होगा, संबंधवाचक सर्वनाम हम किसको कहेंगे, तो इसकी परिभाषा थोड़ी सी टिपिकल भी है, तो इसलिए इसको समझ लीजिएगा। दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य से दर्शाने वाला सर्वनाम क्या कहलाता है, संबंधवाचक
सर्वनाम कहलाता है। ये आपको समझना है। हमने क्या कहा, दो उपवाक्यों, उपवाक्य किसमें होते हैं, देखो दोस्तों मिश्रित जो वाक्य हैं मिश्रित वाक्यों के अंदर हुआ करते हैं उपवाक्य, ये उनके बीच में आते हैं, यानी दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, दो संज्ञा या सर्वनाम को जोड़ने का काम करते हैं, दो उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होते हैं, और एक उपवाक्य की कोई संज्ञा है उसका जो संबंध है वो दूसरे उपवाक्य से दर्शाने का कार्य करता है दोस्तों। अब जैसे मैं ये कहूँ, एक वाक्य अपने यहाँ पर देख लेते हैं, संबंधवाचक में ही है, वो है जो करेगा सो भरेगा। हमने कहा जो करेगा सो भरेगा। अब यहाँ देखिएगा, एक वाक्य है जो करेगा यानी जो करने वाला है सो ही क्या करेगा, भरेगा। तो यहाँ पर आपको ये देखिएगा, दो शब्द हमेशा जोड़े में देखने को मिलते हैं। जैसे मैं ये कहूँ, जो सोएगा सो खोएगा, इस प्रकार से अपने इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं ये कहूँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पर जिसकी और उसकी आ गया। तो इस प्रकार से हम इन शब्दों को उपयोग में लेते हैं। ये कौन कौन से शब्द हो सकते हैं, यहाँ आप इनको समझ लीजिएगा। ये होता है जो और वह, इस रूप में अपने ले सकते हैं, जो सो के रूप में ले सकते हैं, जिसे के रूप में ले सकते हैं, जो जैसा करेगा ये वाला ले सकते हैं, जैसा वैसा जिसको उसको जिससे उससे जिसकी उसकी जितना उतना जिसे वही, है ना। तो इस प्रकार से इसके अलावा जैसे जैसी है वैसी है, ये कुछ एक शब्द हैं जिनको अपने काम में लिया करते हैं। जैसे एक वाक्य आता है हमारा, बहुत ही पुराना वाक्य है, जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारो। तो यानी जितने के साथ में कौन सा आता है, उतना आता है। तो दोस्तों ये एक सर्वनाम होता है जो संबंध बताने का कार्य करता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अगले अंतिम सर्वनाम के भेद को अपने देख लेते हैं। तो अंतिम सर्वनाम जो हमारा आता है, छठा जो हमारा सर्वनाम है, वो निजवाचक सर्वनाम है। अब देखिएगा, निजवाचक सर्वनाम कौन सा होता है, किसे कहा करते हैं, ये वे सर्वनाम होते हैं, या हम यूँ कहें वे सर्वनाम जिन्हें कर्ता द्वारा स्वयं अपने लिए प्रयुक्त किया जाता है निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। साथ ही साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं, इतना आराम से ही बोल रहा हूँ मैं, फिर भी कोई स्पीड कम जाता हो तो मुझे देखिए बता दीजिएगा। जहाँ पर देखिएगा, या मैं यूँ कहूँ, जब वक्ता कुछ शब्दों का प्रयोग अपने लिए करता है, जैसे कि आप है, अपना है, स्वयं है, खुद है, इन शब्दों का प्रयोग जो है वो स्वयं अपने लिए करता है। जैसे मैं ये कहूँ कि मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, यानी मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर जो अपनी शब्द है वो इसके लिए प्रयोग में किया जाता है दोस्तों। तो ये थोड़ी सी कुछ एक ध्यान रखने वाली बातें थी दोस्तों। अब यहाँ पर जो ये इन वाक्यों के अंदर स्वयं है, खुद है, निजवाचक सर्वनामों का प्रयोग होता है, और इनका जो प्रयोग है वो तीनों पुरुषों में किया जाता है दोस्तों। और कई बार हम निजवाचक जो सर्वनाम है उनको क्या समझ लेते हैं, उनको हम समझ लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, और इसी कारण से आपसे गड़बड़ हो सकती है दोस्तों। जैसे मैं आपसे कहूँ, आप यहाँ बैठिए,
दूसरा वाक्य मैं लेता हूँ, मैं अपने आप कर लूँगा। अब यहाँ पर दो हैं, देखिए ए यहाँ पर भी आप है और यहाँ पर भी आप है। अब यहाँ पर जो आपको समझनी है बात, उसको अच्छे से देखिएगा। हमने ये कहा मध्यम पुरुष, जब अपने पुरुष की बात करते हैं तो मध्यम पुरुष में इसका प्रयोग होता है, या फिर कई बार अन्य पुरुष के रूप में होता है, तो अन्य वाला तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। तो मध्यम के अंदर जब होगा तो भी ये संबोधन होता है, किसी अन्य व्यक्ति को आप क्या कर रही हैं, संबोधित कर रही हैं। तो यहाँ आप यहाँ बैठिए, तो यहाँ पर तो हम संबोधित कर रहे हैं, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये पुरुषवाचक हो जाता है। लेकिन जब मैं आपसे ये पूछा हूँ मैं अपने आप कर लूँगा, तो यहाँ पर आप को किसी को संबोधित किया जा रहा है क्या दोस्तों? तो यहाँ पर हम किसी को संबोधित नहीं कर रहे हैं, हम उसको किसी से भी संबोधित नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये क्या होगा, यहाँ आप शब्द का जो प्रयोग है वो निचवाचक के लिए हुआ है। तो देखिए मक्खी पर मक्खी मत मारना, यानी जैसा दिखाई दे बिल्कुल वैसा का वैसा मत कर लेना, थोड़ा ध्यान से आपको इसको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, अन्यथा तो मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यही कुछ एक भ्रांतियाँ थी जो कई बार हो जाती हैं। तो आप जो हैं, आप जो शब्द है वो एक नित्य रूप में एक वचन ही होता है, ये एक वचन होता है। आप जो है वो वैसे तो क्या होता है दोस्तों, निजवाचक सर्वनाम में जो आप होता है वो एक वचन ही होता है, किंतु समान देने के लिए, समान व्यक्त करने के लिए आपको क्या माना जाता है, बहुवचन भी मान लिया जाता है, जब आप क्या कर रहे हैं, किसी पुरुषवाचक के रूप में इसका प्रयोग कर रही हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, किसी भी सर्वनाम के बाद में, किसी भी, हमने कहा किसी भी सर्वनाम के बाद यदि लोग शब्द लगा दिया जाए तो वो नित्य ही क्या होगा, वो नित्य ही बहुवचन होगा। जैसे हमने कहा आप लोग, तुम लोग, है ना, जैसे मैंने कहा आप लोग, यानी किसी भी सर्वनाम के आगे तुम लोग, तो वो क्या कहलाएगा, वो हमेशा क्या होगा, वो बहुवचन ही हुआ करता है। तो वचन के अंदर भी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं, इस चीज़ को अच्छे से देख सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारे छह सर्वनाम थे जिनको हमने अच्छे से डिस्कस किया है। हमने पुरुषवाचक सर्वनाम को भी देखा, हमने निश्चय अनिश्चय संबंध प्रश्न और निजवाचक सर्वनाम को देख लिया है दोस्तों। तो ये हमारे सर्वनाम के कुछ भेद थे दोस्तों। इसके बाद में कुछ और चीज़ें भी हमारे सर्वनाम में रह जाती है, यानी कुछ सर्वनाम के विशिष्ट नियम हैं, विशिष्ट इनका प्रयोग है, जिनके विषय में भी हमें चर्चा करनी है दोस्तों। वो सारी चीज़ें अपने, क्योंकि इसी वीडियो में अगर मैं आपको वो बताता तो वो आपस में मिक्स हो जाती, उसको अगली वीडियो में, ये वीडियो थोड़ा छोटा हो सकता है लेकिन हमें चीज़ों को समझना है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने वो चीज़ें समझेंगे जो आपसे परीक्षा में सबसे ज़्यादा आती है, और सर्वनाम को कैसे अपने पहचाने ताकि वो हमारा आंसर सही हो जाए, या जहाँ पर जिन प्रश्नों में गलतियाँ होने की संभावना है वो सभी डिस्कस अपने करना चाहेंगे दोस्तों। अगर आप हमारे करंट अफेयर्स की PDF चाहते हैं, टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं और अदर जो चीज़ें हैं उनसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर केवल वीडियो आ सकती है, बाकी चीज़ों के लिए हमें किसी न किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर डिपेंड रहना पड़ता है, तो आप निश्चित होकर के हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जो अतुल्य आर्यस के नाम से भी है और राकेश सर अतुल्य आर्यस के नाम से मिल जाएगी। SI से संबंधित जो मैटर है वो सारा का सारा इस ऐप के ऊपर डाला गया है दोस्तों। रीड से संबंधित आपको इसके ऊपर मिलेगा, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF भी मिलती है, जो आर्यस प्री और जो हमारी अन्य प्रतियोगी भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।